Good morning, Pinky. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pinky. Happy birthday to you. Papa, Mommy, happy birthday, sweetheart. Kishido. Mommy, Kobe. ये आपके लिए। थैंक यू। यू वेलकम मेरा। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डैडी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मम्मी। हैप्पी एनिवर्सरी एंड थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। आज हमारे घर में इतना बड़ा दिन है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि आज आप कहीं नहीं जाएंगे। आज आपकी छुट्टी, राइट जज साहिबा? बिल्कुल करेक्ट। अरे जज साहिबा प्लीज, आज मुझे जाने दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल। प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे पैरोल पे छोड़ दीजिएगा। नो, नेवर। अरे योर ऑनर, मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ जो अपनी प्यारी सी बीवी और प्यारी सी बच्ची के लिए सब अच्छी अच्छी चीजें चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो ये पॉसिबल कैसा होगा? इसलिए थोड़ी देर की मोहलत दे दी जाए योर ऑनर। पॉइंट है, जज साहब, आप इस अपील के बारे में क्या सोचती हैं? छोड़ दें? प्लीज छोड़ दें? परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू जज, माय लवली बेटा। आज शाम को हम लोग बहुत मजा करेंगे, ओके? मैं शाम को जल्दी आऊंगा। बाय बाय, सी यू। हां, ठीक है। चलो उठो और जल्दी से तैयार हो जाए, हमें शॉपिंग करने जाना है। हम लोग के लंच का भी जाएंगे। हम लंच के लिए अभी जाएंगे, थोड़ी देर में। पहले तुम चुपचाप तैयार हो जाओ। पापा कभी आएंगे? वो आ जाएंगे। केक कभी लेने जाएंगे? हम केक लेने जा रहे हैं ना, एक मिनट ये नीचे रख दो, दो मिनट के लिए। थैंक यू। कौन से शेप का चाहिए? शिप। क्यों? ऐसे ही। ऐसे नहीं, पिंकी को विश करना तो हमारे घर पर आके। वैसे भी आज स्पेशल दिन है और तुम दोनों मेरे पार्टनर के साथ में नहीं होगे तो मजा कैसे आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी माधुरी को फोन करके आज रात का डिनर फिक्स करता हूँ।
चलें, चलो। ओके। कोई फोन नहीं उठा रहा? तुम्हें देख के बहुत खुश होगा। पिंकी, पिंकी, अरे देखो तो कौन आया है। माधुरी, पिंकी, माधुरी, पिंकी, 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 माधुरी, अरे कहाँ हो तुम दोनों? पिंकी, पिंकी, माधुरी, पिंकी, पिंकी, कहाँ रह गए? शायद अंदर होंगे, देखते हैं। पिंकी, अरे कहाँ हो तुम दोनों? पिंकी, माधुरी, पता नहीं, माधुरी, माधुरी, पिंकी, आओ सब देखो। Many happy returns of the day. कमाल है मिस्टर अमर, आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है और आपकी पत्नी मेरे पास है। What? Yes, आपकी बेटी का जन्मदिन है और केक मैं खाऊंगा। Happy? कौन बोल रहे हैं आप? हम कौन है ये जानकर क्या करेंगे मिस्टर अमर? सिर्फ इतना याद रखो, कौन बोल रहा हूं तुम? पता नहीं क्यों नहीं, अपना नाम बताओ। सैम्यू, अगर तुमने मेरी बीवी और बच्ची को कुछ किया हो तो आई विल किल यू। कहां मेरी बीवी, कहां मेरी बेटी? रिलैक्स, रिलैक्स, मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। रिलैक्स, रिलैक्स, बैठो, तू बैठ, बैठ। हेलो, कौन बोल रहा है? ओहो, ये तो किसी दोस्त की आवाज है। हूं तो दोस्त, लेकिन दुश्मन बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। डायलॉग पसंद नहीं है, फिल्मों का मुझे शौक नहीं है, इसलिए डायलॉग जब आप अपनी फिल्म बनाएंगे उसके लिए बाकी रखिएगा मिस्टर सुधाकर। देखिए आप चुप कितने अच्छे लगते हैं, मैं 5 मिनट बाद फिर फोन करूंगा। I will call again and again. फैसला कर ले। मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। मिस्टर सुधाकर, जब आपको बोलना चाहिए तब आप चुप क्यों रहते हैं? मैंने रकम इतनी ज्यादा तो नहीं मांगी। मैं 5 मिनट बाद फिर फोन करूंगा। हेलो, हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? पता नहीं, कह रहा था 50 लाख रुपए चाहिए। 50 लाख? रिलैक्स, रिलैक्स, पैसे आ जाएंगे। बात यह है कि भाभी और पिंकी को खुश होना चाहिए। सुधाकर, मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर कौन मुझे इस तरह हैरिस कर रहा है? बात पैसों की नहीं है,
सुधाकर उन लोगों ने तुमसे क्या कहा? पता नहीं, कहा कि फिर फोन करेगा। आपकी आवाज और आपकी सुलझी हुई सांसें बता रही हैं कि आपने फैसला कर लिया है। मैं जानता हूं कि आप पैसे जरूर देंगे। Am I right, Mr. Amar? पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अच्छा, क्या? देखो, मेरी बीवी और बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम सेंटिमेंटल बहुत हो यार। ठीक है, टेंशन मत करो, तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे, पैसे मुझे मिल जाएंगे, तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। Now listen carefully, तुम्हें क्या करना है? कल सुबह तुम गाड़ी पकड़कर मडाइलैंड आओगे। मडाइलैंड बीच पर तुम चलते चलते लोगों की भीड़ को क्रॉस करते हुए एक सुनसान जगह पर आओगे, जहां इक्के दुक्के लोग होंगे। वहां से थोड़ा और आगे चलने पर एक सुनसान जगह पर तुम्हें एक लाल झंडा दिखाई देगा। उस लाल झंडे के करीब तुम उस बैग को रख दोगे। इधर उधर देखने के बजाय अगर बैग चुपचाप रखकर चले जाओगे तो मेरी सेहत भी अच्छी होगी और तुम्हारी बीवी बच्ची की भी। तुम घर पहुंचोगे, पैसा मेरे पास पहुंचेगा और तुम्हारी बीवी बच्ची तुम्हारे पास होंगे। और सुनो, होशियारी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए करने की कोशिश मत करना। ओके, बाय, सी यू, मीट यू टुमारो मॉर्निंग। सुनो, हेलो, क्या हुआ? चाहता है कि कल सुबह 50 लाख रुपए लेके मैं मड आइलैंड के बीच पर पहुंचूं। सुधाकर, मैं कुछ और सोच रहा हूं। क्या मतलब? तू उन्हें पैसे नहीं देगा क्या? नहीं नहीं, पैसे तो मैं दे दूंगा सुधाकर, लेकिन जरा सोचो, जो लोग ये चीज एक बार कर सकते हैं वो दो बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, और मैं ये खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अमर, तुम्हारे ऐसा करने से पिंकी और माधुरी की जान को खतरा हो सकता है। नहीं रूमा, माधुरी और पिंकी तो मेरी जान है, लेकिन मैं इन कमीनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये हराम का पैसा खाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे। सुधाकर, रोमा, मैं पुलिस की मदद लूंगा। We'll be right back.
टेक पोजिशन। चारों तरफ से घेर लिया है, तुम लोगों के भागने का कोई उम्मीद नहीं है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, मिसेस माधुरी और पिंकी को मेरे हवाले करो, मैं 10 तक गिनता हूँ, अगर तुम लोग बाहर नहीं निकले तो मैं शूट एट साइट का ऑर्डर दे दूंगा। चलो एक बच्चे को आप लाना पीछे से। बेचारी मछली की तरह तड़प रही है, छोड़ दो इसे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, अब तक 10 की गिनती आप गिन रहे हैं, 10 की गिनती मैं गिनूंगा। हाँ, तब तक आप लोग अपनी इस पूरी फोर्स के साथ रफा दफा हो जाए, वरना छह की छह गोलियां इस बच्ची के सर से गुजर जाएगी, जिसका बोझ ये छोटी सी बच्ची सह नहीं पाई, और ये खूबसूरत चाकू इस खूबसूरत जिस्म के आर पार होगा। Is that clear? One, two. बोलो, फोर 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 फाइव सिक्स 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 सेवन एट No!
I can't.